नमस्कार दोस्तों, अधूरी प्रेम कहानी। प्रेम, लव, स्नेह कितने प्यारे शब्द हैं ना। हाँ, मगर सबके लिए नहीं। कम से कम प्यार में ठुकराए गए या धोखा खाए लोगों के लिए तो नहीं। आज हम ऐसी ही दर्द भरी प्रेम कहानी, या यूं कहें कि एक अधूरी प्रेम कहानी आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज किया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा बराबर है। बस इतनी ही बराबरी हम दोनों की, और बाकी सब जमीन आसमान एक जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हों और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, तो कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को 10 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं। मैंने तो एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उसकी लड़की की परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्द आज भी पहले की तरह सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल में नहीं आई थी। उसका पति उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा। लड़की इससे पहले कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हों। गुड आफ्टरनून, लड़के ने लड़की के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की सिचुएशन का यू ट्रेंड देख हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि न तो उसकी आंखें नहीं मुंह भी कुछ कह पाने ऐसी स्थिति में थे। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें और भी काम हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस लड़के को जाते हुए देखते रहे। लड़के ने झटके से उभरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में तुम्हारा बॉस था। हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि तब वे गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और होशियार हैं और वे सफल हुए। अब वे करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने अब तक शादी नहीं की। पति उनके गुणगान करता रहा। पत्नी ने कहा, कितनी खुश नसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कहानी की सीख, दोस्तों हमारे जीवन में उम्मीद से भी ज़्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों की वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति को
उसकी वर्तमान स्थिति से आंका न जाए और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी अधूरी प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।